नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, लेकिन अब देखना यह होगा कि मुरादाबाद का विकास करने में, चहुमुखी विकास करने के लिए कौन प्रत्याशी सामने आएगा और भारतीय जनता पार्टी की जो दावेदारी कर रहे हैं उनके बाद में उनके पास क्या एजेंडा रहेगा और मुरादाबाद का विकास किस तरह से तेजी से होगा, यही जानने के लिए आज हम मौजूद हैं चंद्र कुमार प्रजापति जी के पास में, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की भी कमान संभाली है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य भी किया है और उन्होंने भी दावेदारी की थी और जानना अब ये है कि उनके पास में क्या एजेंडा था और वो किस एजेंडे के आधार पर उन्होंने दावेदारी की है। प्रजापति जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या एजेंडा था आपके पास में मुरादाबाद का चहुमुखी विकास के लिए। सबसे पहले धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को कि एजेंडा जो है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 65 वर्ष बाद अपने भारत में आई है और यूपी में योगी सरकार चल रही है और सबसे अच्छी बात तो यह है जब से योगी सरकार आज 6 महीने हो गए हैं और 6 महीने में आपने देखा होगा कि काफ़ी जो मनचले थे उन पर काफ़ी रोक लगी है और अपना सबसे मेन ये कि स्वच्छता अभियान, इस पर हमारी सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि इस 5 वर्ष में आप देखना कि आदमी के जो दिमाग में जो गलत फहमी बैठ रही है वो जैसी चुनाव नज़दीक आएंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी जो लोग इस टाइम थोड़े से लग रहा है कि इधर उधर भटक रहे हैं वो सारे लोग इसी चुनाव के जब बिल्कुल जब 1-2 दिन रह जाएंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी 16 जो सीटें अपनी महानगर की हैं पूरे यूपी में उसमें से 16 की 16 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की आपसी कलह कहीं ना कहीं जो दावेदार होते हैं उनके लिए परेशानी क्रिएट करते हैं, उनके लिए परेशानी का सबब बनते हैं, उसे आखिर भारतीय जनता पार्टी कैसे हल करेगी? देखिए ऐसा है, इस टाइम अभी तक किसी को टिकट नहीं मिले हैं तो सभी लोग चाहते हैं कि मुझे टिकट मिल जाए, मुझे मिल जाए और वास्तव में हर आदमी चाहता भी है, हमने भी टिकट मांगा है, मगर जब किसी व्यक्ति को टिकट मिल जाता है जो आज गुस्सा है, आज के बाद जिसे टिकट मिल गया तो उसका गुस्सा धीरे धीरे जब तक चुनावों का टाइम आ जाएगा तो शांत हो जाता है और हमारे काफ़ी बड़े बड़े नेता हैं जो इसका प्रयास वो उस लोगों को बहुत बढ़िया करके उन लोगों को मना लेते हैं और यही हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग जब चुनाव का टाइम आता है तो सब लोग एक ही जगह खड़े होकर और बाहर सब लोग हम चुनाव लड़ाते हैं। एक बड़ा सवाल ये भी रहता है कि योगी सरकार आने के बाद में कहीं ना कहीं लोगों के दिल में अभी भी वो जगह योगी सरकार नहीं बना पाई है, तो क्या लगता है कि ये जो चुनाव होगा ये चुनौती भरा होगा? नहीं, ये बात तो है आपकी कि ये चुनाव वास्तव में चुनौती भरा होगा क्योंकि सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि लोग सबसे पहले नोटबंदी, फिर जो है GST, इससे कहीं ना कहीं कुछ लोगों को परेशानी तो हुई है, इसे तो हम भी नहीं कह सकते, मगर हाँ आज अगर दुख है तो कल को सुख जरूर प्राप्त होगा। मेरा मानना है कि आने वाला जो वक्त है वो सभी बिजनेसमैनों के लिए, कारोबार वालों के लिए बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि अभी शुरुआत है, कोई भी चीज़ होती है जहाँ सड़क नहीं बनती तो बहुत अजीब लगता हो, जब सड़क बन जाती है तो हम ही लोग उस पर चलते हैं और इसमें हमारी जो भारत सरकार के ऊपर जो पहले और अब में कितना आप देखिए, एक भी भ्रष्टाचार का अभी तक आप 3.5 वर्ष हो रहे हैं, एक व्यक्ति का नाम इसमें नहीं है और अगर ऐसा कभी भविष्य में होता है तो मोदी जी या योगी जी उसे कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे चाहे कोई हो। जी बिल्कुल सही बात है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक विज्ञापन भी प्रसारित किया था और उसमें सीधे तौर पर भी कहा गया था कि विकास हो रहा है, विपक्ष ने मुद्दा उठाया था कि विकास पागल हो गया और विकास हो ही नहीं रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उसका जवाब दिया है कि विकास गुजरात में, गुजरात का विकास ये है, लेकिन इसके बाद में एक बड़ा सवाल जो जनता भी ये जानना चाहती है कि उस परेशानी, जो परेशानी हुई है और वो लगातार अभी भी व्यापारी वर्ग भी है जिसकी सरकार वो कही जाती थी, आज वो ही वही सरकार उन व्यापारियों को प्रताड़ित कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, अभी पिछले टाइम 28% था, फिर 18% था, फिर 12% था और 5% लास्ट था, तो इसमें जो 28 के जो आ रहे थे उसे 18 पे लाएं, जो 18 पे थे GST उसे हम 12 पे लाएं, जो 12 पे है वो 5 पे लाएं। अब इसमें क्या था कि आदमी पहले जो सिस्टम था तो उसमें आदमी को पता नहीं था कि 2 जगह टैक्स देना पड़ लिया था तो पता नहीं चलता था, आज हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि 18% हम
28% टैक्स दे रहे हैं. अब हमारी ऐसे टेल्स को देखिए, जो हमारा जो कारोबार है इसमें 29% टैक्स था, आज जो 28% हो गया, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है. पहले वो दो जगह बढ़ा हुआ था तो पता नहीं चलता था. अब पहले हो सकता है कि पहले की सरकारों में माल नंबर एक में कम आता था और ज़्यादातर भ्रष्टाचार की वजह से नंबर दो में ज़्यादा आता था. अब उस वजह से भी लोग ज़्यादा परेशान हैं. मगर आप परेशान, मैं कहता हूँ जनता से अपील करता हूँ कि ये एक साल के बाद आप खुद ही कहेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है अगर हम किसी चीज़ का टैक्स नहीं दे रहे हैं ना, और जब देने धीरे धीरे जब हम देने लगेंगे तो हमें खुद ही आदत पड़ जाएगी. एक हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से निकाय चुनाव है, क्षेत्रीय चुनाव है और क्षेत्र की जनता का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता भी विकास चाहती है. मुरादाबाद का 5 सालों में कितना विकास हुआ? देखिए 5 सालों में विकास तो 4 सालों में जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया. क्यों? क्योंकि उसकी वजह भी रही है, क्योंकि सरकार सापा की रही. तो हमारे मुरादाबाद में महापौर विनोद अग्रवाल जी थे श्री, तो उसमें आजम खान जी ने जब भी हमने उनसे पैसे मांगने की बात कही तो उन्होंने दिए नहीं, और बहुत प्रयास कर करके उन्होंने जैसे तैसा कराया. और उसके बाद बीना जी इस्तीफर की ऐसी कृपा हुई कि उनका भी स्वर्गवास हो गया. फिर वो एक साल का समय रह गया. अब एक साल में ऐसा जो होना चाहिए था कुछ नहीं हो पाया. मगर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ सब नगरवासियों को कि अब निगम चुनाव होने के बाद जो विकास होगा बहुत तेजी से होगा, और हम सारे लोग इसे जनता भी, मतलब जो कि हम भी कहते हैं जनता को भी कि जनता भी जागे. अभी मुरादाबाद में कितना और आवश्यकता है कि कितना बदलाव होना चाहिए? देखिए बदलाव तो काफ़ी होना चाहिए. मैं जनता से भी अपील करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है, जनता भी वोट देने के बाद बिल्कुल भूल जाती है. उससे मैं अपील करूंगा कि जैसे वो तन मन से वोट डालने के लिए वो लगती है, तो ऐसी अपने महापौर के पास भी अपनी पूरी संख्या को लेके जाके अपने पार्षदों के ऊपर भी अपना पूरा अधिकार दिखाए, तभी विकास का जो है मुद्दा बहुत तेजी से पकड़ेगा. अब होता क्या है, ज़्यादातर हम लोग वोट दिए अपने घर बैठ जाते हैं और आगे उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाता. भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई भी उम्मीदवार होता है, उसके बाद में अगर बात करें विपक्ष की, तो किससे फाइट रहेगी हम आपसे जानेंगे? देखिए मुरादाबाद की जहाँ तक बात है तो वह दो ही पार्टी हैं, या तो सापा या भाजपा. बाकी जितने भी लोग हैं वो धीरे धीरे, ढोल तो उनका बजेगा मगर धीरे धीरे सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा मेन मुद्दा है हिंदू मुस्लिम. तो आखिरी में आदमी बढ़ जाते हैं. अब उसमें देखना ये है कि भाई हर आदमी चाहता है कि हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी जीते, और सापा ही चाहेगी हमारा व्यक्ति जीते. अब किसके सिर पर चेहरा बनेगा ये तो इस बार ही साफ तौर पर कहें कि सांप्रदायिकता के आधार पर कहीं ना कहीं चुनाव आगे जाने वाला है. देखिए चुनाव यहाँ का बड़ा अजीब चुनाव है मुरादाबाद का, महानगर का, क्योंकि यहाँ कोई विकास करता है या जो नहीं करता है ये मुद्दे पे बात नहीं आ पाती. बस वो यहाँ जब बिल्कुल एंड हो जाता है चुनाव का टाइम, तो हिंदू मुस्लिम का ये दिक्कत आ जाती है, और वो भूल जाते हैं जो व्यक्ति विकास कर रहा है उसे ही भूल जाते हैं, और जो विकास नहीं करता उस आदमी को भी वोट दे देते हैं. मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मगर कुल मिला के जो हमारी बीना अग्रवाल जी थी, आप सब लोगों को ही पता है कि उनके समय में कितना विकास हुआ. बाकी मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता. तो क्या कहेंगे मुरादाबाद की जनता से, किस तरीके से वो अपने प्रत्याशी का चुनाव करें? देखिए मैं तो सभी लोगों से कहूँगा कि अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से निकलें और खूब वोट डालिए, जिससे कि कम से कम पता चले. नाराजी ना रखिए वोट किसी को भी. देखिए आदमी का अपना कर्तव्य बनता है, मगर घर से वोट डालने के लिए जरूर जाइए. तो ये थे हमारे साथ में चंद्र कुमार प्रजापति जी, जिन्होंने हमारे साथ में निकाय चुनाव के मुद्दे को लेकर वार्ता की थी. अब देखना ये होगा कि निकाय चुनाव होने के बाद में किसके सर पर ताज लगेगा और किसके सर पर सहरा सजेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. अंकित चौहान के साथ अभी टीवी इंडिया.